मर जाऊंगा। मेरे पास कोई आम नहीं है यार, भूख के कारण मैं गाना तो गाया। गीत गाना तो ठीक है, पर भूख रहते समय आम के गीत गाना गलत है, तब भूख दुगना हो जाएगा, तो आम के गीत नहीं चाहिए। ठीक है, मैं एक और गाना गाऊंगा, तो उसकी मजा लेना। बिरयानी बिरयानी मटन बिरयानी, तंदूरी तंदूरी चिकन तंदूरी। अरे बस करो, ये गीत तो भूखे रहने वाले के लिए ठीक नहीं है। दो दिन हुए कुछ तो खाकर, यहाँ में खेला भी नहीं है। अरे दोस्त, क्या है उस चट्टान के ऊपर? वो तो एक फाइल जैसा दिख रहा है। हाँ, मेरा किस्मत। दोस्त तू यहाँ रुक, मैं उसे खाकर वापस आता हूँ। अरे नहीं, मैं खाकर वापस आता हूँ, मैंने ही उसे पहले देखा था ना। होगा शायद, लेकिन मैंने ही उस फल को पहचाना था ना, तो उस फल मेरा नहीं होगा। मैंने देखा तो फल मुझे ही। अरे वो तो देखना है, ऐसे तुझे खाने मत देंगे। ओ, अरे मुझे चोट चोट ना। अरे बंदरों, दोनों झगड़े क्यों कर रहे हो? अच्छे चरित्र वाले कभी भी झगड़ा नहीं करते। हाथी साहब, मैंने ही उस पर को पहले देखा था, तब उस पर मेरा ही होगा ना। ये झूठ बोल रहा है, मैंने ही उस फल को पहले देखा था। बच्चों, ये भूल जाना कि उसे कौन पहले देखा था। फिर अच्छे भाइयों के तरह दोनों उसे फाड़ कर खाना, वो कभी भी नहीं हो सकता। एक बात के लिए दोनों ऐसे झगड़े करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे जो कहना है मैंने कह दिया, बाकी सब तुम्हारा मर्जी, मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं मिला तो भी ठीक है, पर तुम्हें नहीं खाने देंगे। तू भी उसे नहीं खाएगा। अरे मेरा पूंछ। उफ़ो। अरे अरे ये झगड़ा कितना अच्छा है। बच्चों क्यों ऐसा झगड़ा कर रहे हो? लोमड़ी जी, आप तो बहुत बुद्धिशाली है ना, हमारे इस झगड़े का हल बताओ ना। बिल्कुल, क्या है समस्या? मैंने उस फल को पहले देखा था, अब ये कह रहा है कि उसे चाहिए। लोमड़ी जी, मैंने ही उस फल को पहले देखा था। ओफो, तो ये फल है तुम दोनों के समस्या। ये तो बहुत बड़ा समस्या है। जो भी हो, तुम दोनों झगड़ा तो शुरू किया है ना, वो तो जारी रखो। झगड़ा करने के बाद वापस आऊंगा तो मैं इस फल से रस बना के रखूंगा। इसके लिए मैं उस फल को ले रहा हूँ, क्या ठीक है ना? हमें मंजूर है, ढके हुए वापस आने वाले हमारे लिए रस बना के रखना। बस
फल का ही देरी है, मिलते ही टेस्ट तैयार। मैंने पहले फल को देखा था ना, इसलिए फल का रस पूरा मैं ही पीऊंगा। तुझे नहीं पिला दूंगा। बाप रे, मेरा नाक। अरे बुद्धुओं, क्यों तुम दोनों फिर से झगड़ा कर रहे हो? मैं यहाँ बैठकर सब कुछ देख रहा था। तुम दोनों झगड़ा करने के बजाय उसे बांध कर खाना चाहिए था ना, अब दोनों को नहीं मिला। वो लोमड़ी तुम दोनों को उल्लू बना के उस फल को लेकर गया। दोस्त, जैसा हाथी भैया कहा उसी तरह हमें उसे बांध कर खाना चाहिए था, हम ऐसा उल्लू नहीं बन जाता। वो तो सही है, झगड़ा किसी समस्या का भी हल नहीं है।